भगवान शिव की नगरी काशी, जो घाटों के नगर के नाम से विख्यात है, और इस वाराणसी में विश्व का सबसे आधुनिक घाट भी बन चुका है, जो अब केवल नावों से ही नहीं अपितु रोड व रेल के अतिरिक्त वायु मार्ग से भी जुड़ा होगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के नमो घाट के द्वितीय चरण की विशेष जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे कि क्यों है यह घाट इतना महत्वपूर्ण, जानेंगे नमो घाट की लागत व विशेषताएं, तथा इस खिड़किया घाट के ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही आपको हम इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे और बताएंगे कि कब होगा यह जनता को पूर्णतया समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि काशी विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर है, भगवान शिव की प्रियतम नगरी है। इस नगर को घाटों का नगर, मंदिरों का नगर, गलियों का नगर आदि भी कहा जाता है। वाराणसी को अत्याधुनिक घाट की सौगात तो पहले ही मिल चुकी थी, परंतु अब सुपर घाट की सौगात मिलने वाली है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं, और उन्हीं में से एक था खिड़किया घाट, जो कि पुनर्विकसित होकर के नमो घाट के रूप में जनता के समक्ष है, जो अब वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट तो है ही, साथ ही पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों का सबसे प्रमुख भ्रमण स्थल भी बन चुका है। आइए हम आपको पहले ड्रोन व्यू प्रदर्शित करते हुए बता दें कि इस खिड़किया घाट का नाम परिवर्तित करके नमो घाट कर दिया गया था, और इस नमो घाट पर नमस्ते के स्वरूप के 3 स्कल्पचर भी स्थापित किए गए हैं, जो इस घाट के पहचान तथा घाट ही नहीं अपितु काशी का पहचान भी बन चुके हैं। परंतु विकास का क्रम यहीं थमने वाला नहीं। इस नमो घाट परियोजना का जो द्वितीय व तृतीय चरण है वह और भी भव्य है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो कि घाट पर होने का कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और इसलिए हम इस द्वितीय व तृतीय चरण के अंतर्गत बनने वाले घाट को सुपर घाट की संज्ञा दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट के द्वितीय चरण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। इसमें नमो घाट से आदि केशव घाट तक पुनर्विकास किया गया है। बता दें कि काशी की उत्तरी छोर पर आकार पा रहे नमो घाट का आदि केशव घाट तक विस्तार किया जा रहा है। इसमें सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है। नमो घाट के दूसरे चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें इस घाट पर पार्क और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, तथा यह घाट वायु मार्ग से भी जुड़ गया है। फेज 2 के अंतर्गत घाट पर पार्क, गंगा विसर्जन कुंड, गेस्ट हाउस, फूड कोर्ट के साथ रेस्टोरेंट का भी निर्माण कराया गया है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। बता दें कि यह पुनर्विकास परियोजना वाराणसी स्मार्ट सिटी के द्वारा संपन्न हुआ है, तथा इस परियोजना के अंतर्गत जल मार्ग की व्यवस्था के लिए घाट पर ही फ्लोटिंग जेटी भी बनाई गई है। नमो घाट के दीवारों पर काशी की कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बना है। यह काशी का एकमात्र घाट है जो जल, थल और वायु मार्ग से जुड़ेगा। नमो घाट परियोजना के विशेषताओं की जानकारी देने हेतु बता दें कि प्रथम चरण में घाट का निर्माण सूर्य नमस्कार, स्टैचू, जेटी, ओपन एयर थिएटर, शौचालय, फूड कोर्ट, स्मारक प्लाजा आदि बनाया गया है। द्वितीय व तृतीय चरण में विसर्जन कुंड, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए मल्टीपर्पज ग्राउंड, किड्स प्ले एरिया, ओपन थिएटर, वाटर स्पोर्ट्स, रैम्प, कैफेटेरिया, शौचालय आदि का भी निर्माण हुआ है। इस मल्टीपर्पज ग्राउंड पर 3-3 हेलीकॉप्टरों की एक साथ लैंडिंग हो सकती है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने द्वितीय व तृतीय चरण का कार्य पूर्ण किया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के नमो घाट पर हेलीपैड बाढ़ रेखा के उच्चतम बिंदु स्थान पर बहुउद्देशीय कार्यों के लिए बनाया गया है। काशी में हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही आपदा और आपातकाल में भी इसका उपयोग किया जाएगा। यह 140x60 मीटर के आकार का है। आपको समझने में सरलता हो इसलिए हम आपको ड्रोन व्यू दर्शाते हुए बता दें कि शीघ्र ही इस घाट का औपचारिक उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया जाएगा। प्राचीनता और आधुनिकता के साथ तालमेल मिला करके चलती काशी के घाटों की श्रृंखला में
एक और पक्का घाट वो वाराणसी के पहले मॉडल घाट के रूप में नमो घाट जुड़ गया है। इसका विस्तार नमो घाट से आदि केशव घाट तक लगभग 1.5 किलोमीटर में हुआ है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि घाट की बनावट और अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के साथ नमस्ते के स्कल्पचर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जल थल व नभ से जुड़ने वाला यह पहला घाट होगा जहां हेलीकॉप्टर भी उतर सकेगा। यहां फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, ओपन एयर थिएटर, विसर्जन कुंड, फ्लोटिंग जेटी पर बाथ कुंड व चेंजिंग रूम का भी निर्माण हुआ है। योगा स्थल, वाटर स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कैफेटेरिया के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी होंगी। इसका निर्माण 81,000 स्क्वायर मीटर में 91,06,00,000 रुपए से किया गया है। यही नहीं, नमो घाट के पुनर्विकास में मेक इन इंडिया का विशेष ध्यान भी दिया गया है। इस घाट पर वोकल फॉर लोकल भी दिखेगा। यहां से पर्यटक सुबह बनारस का नजारा और गंगा आरती में भी सम्मिलित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि यहां पर आप वाटर एडवेंचर स्पोर्ट का भी आनंद ले सकेंगे। सेहतमंद रहने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक, व्यायाम और योग कर सकेंगे। दिव्यांग जन व बुजुर्गों के लिए माँ गंगा के चरणों तक रैंप बना हुआ है। ओपन थिएटर है, लाइब्रेरी, वीआईपी लाउंज, बनारसी खान पान के लिए फूड कोर्ट और मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है। यहाँ हेलीकॉप्टर उतरने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाले नावों के लिए एशिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी नमो घाट पर बना है। इसके अतिरिक्त अन्य गाड़ियों के लिए भी यहां अलग से सीएनजी स्टेशन है। नमो घाट से क्रूज के माध्यम से पास के अन्य नगरों का भ्रमण भी किया जा सकता है। बता दें कि नमो घाट पर खास विसर्जन कुंड बना है जिससे लोग पूजन सामग्री, माला फूल, मूर्ति विसर्जन इत्यादि कर सकें और माँ गंगा को प्रदूषित भी ना करें। घाट के किनारे हरियाली के लिए और मिट्टी का कटान भी ना हो, इसके लिए पौधारोपण होगा। आस्था की डुबकी लगाने के लिए अन्य घाटों के ही प्रकार से पक्का घाट बना है। यहाँ सीढ़ियों के साथ ही रैंप भी बनाया गया है। इस घाट का निर्माण गैबियन और रेटेशन वॉल से तैयार किया गया है। इससे बाढ़ में घाट सुरक्षित रहेगा तथा इस खिड़कीय घाट तक गाड़ियां भी जा सकती हैं। घाट पर ही वाहन के पार्किंग की व्यवस्था है। नमो घाट का पुनर्विकास 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण के निर्माण के पश्चात यह स्थान जनता के लिए खोल दिया गया था। इसका आनंद पर्यटक ले रहे हैं और अब दूसरे चरण के निर्माण के पश्चात पूरा नमो घाट के उद्घाटन के लिए लगभग तैयारियां हो चुकी हैं, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको हम ग्राउंड जीरो से निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दर्शाते हुए बता दें कि यहां पर एक और 75 फीट का नमस्ते स्कल्पचर ब्रॉन्ज का लगेगा, जो फेज एक में लगे नमस्ते स्कल्पचर से काफी ऊंचा होगा। वाराणसी के नमो घाट पर नमस्ते के आकार के पहले से 3 स्कल्पचर हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सेल्फी लेते भी दिखाई देते हैं। यह स्कल्पचर सूर्य का अभिवादन तथा माँ गंगा को प्रणाम करता हुआ है। जानकारी हेतु बता दें कि यहाँ पर नमस्ते के आकार के 3 स्कल्पचर के अतिरिक्त 4th स्कल्पचर भी लगाने का कार्य संचालित है, जिसे शीघ्र ही पूरा करके स्थापित कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो नमस्ते आकार का 3 स्कल्पचर स्थापित किया गया है, उसमें से 2 की ऊंचाई 25-25 फीट है, जबकि एक छोटा थोड़ा कम 15 फीट ऊंचा है। 4th स्कल्पचर जो स्थापित होगा, उसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट की होगी। वर्तमान में 3 स्कल्पचर जो स्थापित हुए हैं, वो मोल्डेड अलॉय धातु से बने हुए हैं, जबकि 4th स्कल्पचर कॉपर का बनाया गया है, जो कि इस घाट को हिंदुत्व से जोड़कर समग्र विश्व में सनातन आस्था व संस्कृति को बढ़ावा देगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक ओर नगर के मुख्य घाट जैसे कि दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि पर पर्यटकों के पहुँचने में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर इस खिड़कीय घाट अर्थात नमो घाट पर आप अपनी कार अथवा 2 पहिए से ही सरलता से नीचे घाट तक पहुँच सकते हैं, जिससे कि समय व धन की बचत होगी तथा इस इको टूरिज्म से पर्यावरण को भी लाभ होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट स्टूडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको नमो घाट की जानकारी पसंद आई होगी
तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।